राधा ने अभी जगह वहां से इस साइड में चेंज कर दी है पूरी। अभी इस साइड क्लीन तो है लेकिन ये थोड़ा सा गोबर है वो साइड में करके पूरा ये चेंज कर देंगे साइड एक बार, और गुड़ वाला पानी अभी पिलाएंगे। हाय हाय हेड खिना खेते पाथरिन। अभी नीम का धुआं कर रहे हम और राधा को अभी इसकी साइड चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि कल से इसी साइड में है, और अभी इसको थोड़ा सा खाना भी खिलाएंगे। मतलब कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बिस्किट्स को आप भिगो के इसको खिलाओ या फिर गुड़ वाला पानी। गुड़ वाला पानी देंगे। थोड़ा सा आटा भी होता है तो उसको लिक्विड बना के हम थोड़ा सा पिलाने की कोशिश करेंगे अगर वो पिएगी तो। अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्ले जी बिस्किट्स को गुड़ वाले पानी में भिगो के राधा के लिए रेडी कर रहे हैं ताकि कुछ एनर्जी मिले, आटा शुगर गुड़ वाला पानी सब कुछ जाए। आता तो रथे जी भूको चला कर पड़े रहा हूँ पड़े रहा हूँ पड़े पड़े रहा हूँ जी पास में तुम देखो। ખબર નથી પડતી પડી હોય અભી ઇતના તો નહીં ઇસકો ખાના યા કુછ નહીં છોડા હૈ ખા રહી હૈ યે ઓલરેડી નિકલ ચુકે હૈ કબ કે મિયા ભી બોલ રહી હૈ કે મુજે ભી ચેક કર દે મેં તો મેં ભી ચેક કર લેતે ઠીક હૈ ઇસકો તો નહીં દિખ રહે નહીં મીરા કો નહીં હૈ और नहीं है ऐसा नहीं है, सबसे पहले ऐसे डॉट्स मीरा को दिखे थे लेकिन इसको ना तो सूजन आई थी ना इसने खाना बंद किया है तो इसको मतलब कोई आके चला गया है मीरा को। किसी को कम इफेक्ट होता है तो इसको पता भी नहीं चला है, और इसको अभी दवाई दे देंगे ये तो खा लेगी अभी के लिए रोटी में। बाकी फिर भी इनका पानी वगैरह अलग करते हम, लेकिन ये दोनों माँ बेटी का सेम है और ऐसे ही रहनी है अगर आगे भी इसको नहीं बढ़ेगा क्योंकि कब के निकले हुए दाने। लेकिन आभा का कलर उस तरह का है कि दिख नहीं रहे थे, एक दाना दो अभी दिखे तो पता चला टोटल मिला के 5 है पूरी बॉडी में। और मीरा को आज से 25 दिन पहले पूरे बॉडी में दिखे थे लेकिन 3-4 घंटे के लिए फिर गायब हो गए। वो वैक्सीन लिया था उसके बाद दिखे। हाँ ये लिक्विड रेडी हो गया ना, अभी ये पूरा पी देते इसको। ઘરવાળું
रूंगा पड़े पानी तो रूंगा आ रही कौन हाँ जी जब लोगों को बस मरवन हाउ जारी होने रेडी ना तू ये भी रेडी ना अपनी पानी पी रहा है यहाँ तो ना तो ही नहीं पास आए तो अंदर एक पास आओ पास आ जाए ये पी रहा है उसको करें तो पानी तरह करेगा राधा थोड़ी सी ज्यादा कर रही है ना आभा कुछ नहीं कर रही है इतना राधा है पहले से नोटी है वो ज्यादा देखो ये वो वैक्सीन मार भी ज्यादा खाती है कब का मिल गया वैक्सीन अभी तो उसका असर भी चला गया होगा मतलब वो इतना तो तुम्हारे छोटे भाई ने भी नहीं किया नखरे पहली बार लिया है फिर भी हाँ लगभग नहीं दे सके राधा को भी पहली बार मिला है वो बोलते है वैक्सीन के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूरी है हमारी राधा अब नहीं रही हमारे साथ वैसे हमारे साथ ही रहेगी हमेशा लेकिन इसका क्या बोलते कि रोज बे रोज इसकी हालत खराब होती जा रही थी सारी जो दवाई वगैरह जितनी हमसे हो रही थी हम कर रहे थे उसको पिलाना रोज जो भी होती थी मतलब देसी दवाई बाकी जो मेडिसिन जो भी लोग बोलते थे कि ये दो फिर अब ये भी चला था क्या बोलते छोटा सा फल होता है वो भी उसका जूस भी पिलाया तो सब कुछ ट्राई किया नहीं हो पाया कुछ भी इससे बाकी तो इसमें बहुत गाय रोज मरती है और राजा को भी वही हुआ फाइनली इसका इसका मतलब जान ले ली लंपी ने बाकी हमारी दूसरी गाय सभी ठीक है और 2 साल की हुई हमारे पास यहीं जन्म हुआ उसका और यहीं चली गई हमारे घर ही 2 साल में एक दिन कम था तब इसको लंबी इफेक्ट हुआ था 17 तारीख को इसका जन्मदिन था और फिर इतने दिन खाया तो 3-4 दिन ही था उसके अच्छे से बाकी हम खिलाते थे पास में गीगन फड़ा लेके उसको खाना खिलाता था बाकी दवाई कुछ नली से भी दे रहे थे दवाई जो दूसरी चीज टेबलेट वगैरह वो भी पिला रहे थे रोटी में गुड़ में जो भी उसको अच्छा लगता था उसमें लेकिन खाने में तो वो थोड़ी सी फंसी थी पहले से और लंबी में है भी वही कि जो जानवर थोड़ा क्या बोलते हैं फंसी होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है और बाकी तो इसकी इम्यूनिटी पे है इसकी इम्यून सिस्टम किसी किसी की है उसमें असर कर जाती है किसी किसी में नहीं करता तो बस अभी इसको यहाँ पर समा भी देंगे तो जैसे भी आएगा उसके बाद होगी सारी प्रोसेस आगे
पूरा दिन हम सब इतने मतलब कि कोई कैमरा फेस करने के लिए रेडी नहीं था। जो भी राधा की साइड जाता था उसको रोना आता है, और सिर्फ कैमरा स्टार्ट करके फिर रोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की कहीं ना कहीं ट्राई होती है कि आप लोग हमारे वीडियोस देख के आपको अच्छा लगे, आपको खुशी मिले। अगर हम आपको ऐसे वीडियो में दिखेंगे तो फिर आपको भी बुरा लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए फिर हमने कल वीडियो नहीं बनाया पूरा। जैसे भी थोड़ा सा देरी से आया था, तो फिर रामदेव और वो गए थे राधा को लेके, उसकी जो भी पूरी रस्म होती है वो ख़त्म करके फूल लेके गए थे, सब कुछ मिट्टी डाली थी और जैसे भी से वहाँ पे समाधि दी राधा को। अभी हम भी देख रहे थे वीडियोस, तो वो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। जब से राधा छोटी थी, अभी अभी जब लंपी हुआ उसके दूसरे दिन ही राधा का जन्मदिन भी था, मतलब कि 2 साल पूरे हुए थे, तो ऐसा लगता है कि बस ये थोड़ा सा ये जो टाइम है वो कहीं कट हो जाए, राधा वापस आ जाए, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं सकता जैसे हमको सोचना, जैसे हम सोचते, जो हमने फ्यूचर प्लान्स किए थे राधा के साथ, जो सपने देखे थे। तो बस इसलिए कल पूरा दिन वीडियो नहीं बना पाए, और आज भी अभी बस कैमरा हाथ में लिया है। तो अब देखिए आगे राधा की कुछ यादें बहुत ही अच्छी, क्योंकि राधा हमारे आई थिंक सारे एनिमल्स में आपा बहुत शांत है, आपा का नेचर, लेकिन राधा का क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, मस्ती करती रहती है, उछलती कूदती रहती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा यादें हैं राधा की जब से छोटी थी तब से, तो आप वो देखना। और बस सब आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रे की थी राधा के लिए, बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आती थी, बहुत ज़्यादा एडवाइजेस आती थी, जितना भी हो सकता था हमने ट्राई किया था। आज सुबह भी डॉक्टर आया था, तो फिर डॉक्टर ने भी इसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि इसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं थी, जितना हो सके हमने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, क्योंकि राधा को जो इफ़ेक्ट थी वो पहले से बहुत ज़्यादा थी। फिर भी 15 दिन राधा बहुत स्ट्रॉन्ग रही, जैसे अभी टीलू को भी इफ़ेक्ट है, लेकिन वो बहुत लाइट है, इतना ज़्यादा नहीं है टीलू को। लेकिन राधा को पहले दिन से सूजन बहुत ज़्यादा थी, उसको फोले बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में हो गए थे, और मतलब कि उसका जो लंपी की असर थी वो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर थी राधा को, तो इसलिए हम राधा को नहीं बचा पाए। और टीलू को इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसका इतना टेंशन भी नहीं है, और वो खाना भी खा रही है, सब कुछ अच्छे से है। और जब जा रहे थे तब हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि एक वो बहुत टेंशन में, मतलब कि सब बहुत सेड थे, मम्मी पापा रामदेव, ओम भी बोल रहा था। जब रामदेव मुझे बताने आया ना कि अब हमारी राधा नहीं रही, मैं कुछ अंदर कर रही थी, तो ओम दौड़ के आया कि राधा खड़ी हो गई, राधा ठीक हो गई। तो फिर ओम वैसे बताता नहीं है, लेकिन अंदर से उसको भी पता चल जाता है घर के एटमोसफियर से कि सब दुखी है, तो वही रहा। लेकिन सारे गायों को भी पता चल जाता है, टीलू को तो उसकी माँ है, और बाकी राधा को आभा को, मीरा को, अभी मेरा ना आदत वो होती है कि मैं भूल जाती हूँ राधा राधा, आभा को भी बोल देती हूँ, तो सबको पता चल गया था जब लेके भी जा रहे थे। तो यही था, इतना ही वक्त था हमारा राधा के साथ। प्रे करते और हम भी प्रे करते कि राधा की आत्मा को शांति मिले।